नमस्कार प्यारे मित्रों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से YouTube फैमिली में। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट विजिट पढ़ाऊंगा। ये आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगी। इससे आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यूनिट विजिट का कुछ रूल्स जानते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीटली बन जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं यूनिट विजिट। यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, अगर हम 5 को किसी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 आएगा। ये यूनिट डिजिट का बात है, यूनिट डिजिट का 5 आएगा। और इसी प्रकार 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट में। अब हम लोग कुछ इसके बारे में इतना ही जानते हैं 5 के बारे में। अब हम लोग पावर के बारे में जानते हैं, जब 5 का पावर में कुछ रहे तो कैसे होगा। पावर जब 0, 1, 5, 6 का पावर का पावर कुछ भी है, कुछ भी हो तो क्या होगा? सेम यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा, सेम यूनिट डिजिट। क्या होगा? सेम यूनिट, यूनिट डिजिट। जैसे हम लोग हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, 1, 5, 6 है तो किसी भी यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 हो और पावर पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम बता देते हैं। एग्जाम्पल 6, 5, 4, 6 इसका पावर कुछ भी, मान के चलिए 8 है तो क्या होगा यूनिट डिजिट? 6 होगा। अब नहीं होता है तो करके देख लीजिए। मान के चलिए अभी छोटा लेते हैं क्योंकि अभी एग्जांपल से समझेंगे, 2 लेते हैं। अब 2 लिए हैं तो 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट देखना है, इधर का तो नहीं देखना है, 6 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6×6=36। तो यूनिट डिजिट में क्या आया? 6 आया, सेम हुआ ना, 6 6। इसी प्रकार 5 4 5 इसका यूनिट डिजिट देखते हैं 3। अब 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, 5×5=25, 25×25=125। तो यूनिट डिजिट क्या है? 5, सेम आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे 4 का नियम। यहाँ तक
कंप्लीट हो गया दोस्तों, और ये आने वाले एग्जाम एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी यूनिट डिजिट के बारे में। हम ये कॉन्सेप्ट बस बता रहे हैं अभी, क्योंकि वीडियो लंबा होगी इसीलिए हम आगे इसका एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, इसका एग्जाम्पल बाद में मैं कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत सारा। अब हम लोग पढ़ेंगे चार, जब चार का पावर में फोर का पावर ऑड रहे तो क्या होगा, फोर का पावर ऑड रहे तो फोर फोर ही रहेगा। अगर फोर का पावर ऑड को क्या बोलते हैं, विषम, विषम। फोर का पावर इवन रहेगा तो सम, इवन को बोलते हैं सम, तो क्या होगा। अगर फोर का पावर इवन रहेगा तो सिक्स, यूनिट डिजिट में क्या होगा सिक्स। अगर फोर का पावर ओड रहेगा तो यूनिट डिजिट का आएगा फोर। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, सिक्स टू फोर का पावर थ्री ओड हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट लेके चलते हैं, चार का चार को कितना बार गुणा करेंगे, तीन बार, चार चौका सोलह, सोलह चौका चौसठ, यूनिट डिजिट में क्या आया चार आया। लेकिन अब फिर सम का एक लेके चलते हैं, टू थ्री फोर इसका पावर फाइव। अब फाइव में फोर का पावर यूनिट डिजिट लेके चलें, फोर गुना फोर गुना फोर गुना फोर गुना फोर, तो ये कितना हो जाएगा, चार चौका सोलह, सोलह चौका चौंसठ, चौंसठ चौका छः, दो सौ सोलह, दो सौ सोलह चौका पाँच सौ बारह, सॉरी गलत कर रहे हैं, एक बार कर लेते हैं, चार चौका सोलह गुना चार चौका सोलह गुना चार, सोलह का एक सौ छियानवे, चार चौका अब इसका चार मल्टीप्लाई, चार सौ चौबीस, चार नौ सौ छत्तीस, छत्तीस और दो अड़तीस, चार और एक पाँच, छः चौका चौबीस, चार नौ गलत हो गया, एक सौ छियानवे और इधर चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार चार सौ चौबीस, चार नौ छत्तीस, अड़तीस, हाथ में तीन, चार और तीन सात, सात सौ चौरासी, ये हो गया सात सौ चौरासी। तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा फोर। तो इसी प्रकार हम लोग चलेंगे नौ का, अगर नौ का पावर में विषम ओड रहे तो क्या होगा, ओड यानी कि विषम, विषम रहेगा तो क्या होगा, सेम रहेगा, और नौ का पावर में इवन रहेगा तो सम, तो क्या होगा एक होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सिक्स फाइव नाइन का पावर थ्री, नौ का तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, नौ नौ इक्यासी, इक्यासी नौ नौ यानी कि नाइन आ गया, और फिर सिक्स थ्री नाइन का पावर टू, नौ इक्यासी, दो बार गुणा किया करेंगे नौ को तो इक्यासी आए, इक्यासी को यूनिट डिजिट में एक। तो
इसी प्रकार हम लोग इतना का समझ लें। अब फिर आगे चलते हैं, किसका किसका बच गया, हम लोग पढ़े किसका, पाँच का पढ़े, सॉरी जीरो का पढ़े, वन का पढ़े, फाइव का पढ़े और सिक्स का पढ़े और फोर का पढ़े और नाइन का पढ़े, इतना का पढ़ लिए। अब हम लोग का बचा क्या है, बचा है टू सेवन थ्री थ्री सेवन एट। अगर इसका पावर में कुछ भी हो तो, कुछ भी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी स्टेटमेंट लिख देते हैं दोस्तों, किसी भी यूनिट डिजिट के किसी भी संख्या के संख्या के इकाई अंक में दो तीन सात आठ रहे और पावर पावर का दो डिजिट को फोर से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा उसे पावर मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या के इकाई अंक में दो तीन आठ सात आठ रहे और पावर का दो डिजिट को क्या कर लेंगे, चार से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा उसको पावर मान लेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल सिक्स थ्री है, टू का पावर सिक्स थ्री, तो इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको फोर से पहले डिवाइड दे देंगे, कितने बार में जाएगा ऐसे डिवाइड नहीं देंगे, अभी समझने के लिए 36 63 को फोर से एक बार में फोर टू थ्री फाइव बार में माइनस के थ्री बचा, ये जो शेषफल थ्री बचा अब उसको टू का पावर मान लेंगे, ये शेषफल को क्या मान लेंगे, पावर, यहां लिख देते हैं पावर मान लेंगे। तो दो का पावर तीन,
तो दो का तीन बार मल्टीप्लाई, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आठ होगा। इसी प्रकार हम लोग और एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। थ्री का पावर सिक्स, ये इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। सिक्स नाइन को फोर से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड देंगे तो कितना मैम, एक बार में माइनस करेंगे तो टू बच गया, ये उतर जाएगा यहाँ। अब कितने बार में, सात बार में अट्ठाईस, शेषफल कितना बचा, एक। अब इसको क्या मान लेंगे, पावर मान लेंगे, पावर मान लेंगे। अब तीन का पावर कितना हो गया, एक, तो तीन का पावर एक तो कितना हो जाएगा, एक। यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, एक। तो हम लोग का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वन। यूनिट डिजिट वन हो जाएगा। अब फिर सेवन और आठ का भी लेके चलते हैं, परमिट किया हो, आएगा उसे पावर। सेवन का पावर पांच, सिक्स, सेवन, एट, वन, ये है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, इसको नाइन मान लेते हैं, इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का दो अंक लेना है, ठीक है दोस्तों, पावर का दो अंक, वन टू। तो अब इसको डिवाइड करेंगे कितना से, फोर से, दो बार में पूरा पूरा कट गया, जीरो बच गया, यहाँ नाइन उतर गया, दो बार में आठ, एक, शेषफल एक बचा, उसको सात का पावर मान लेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट सेवन। इसी प्रकार हम लोग आठ का करते हैं, सिक्स फाइव फोर थ्री एट सेवन थ्री। अब फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर से कितने बार में, एक बार में थ्री बचा, थ्री उतर गया। अब फिर कितने बार में आएगा, चार से अट्ठाईस, चार अट्ठी बत्तीस, आठ बार में बत्तीस, शेषफल कितना बचा, एक। एक को पावर मान लेंगे, आठ का पावर एक, तो आंसर आठ। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आई यूनिट डिजिट, हम लोग पढ़े किसके किसके बारे में, वन जीरो, वन फाइव सिक्स फोर नाइन और टू थ्री सेवन एट। अब हम लोग यहाँ इसको सीरियल में लिख लेते हैं, जीरो पढ़ें, वन पढ़ें, टू पढ़ें, थ्री पढ़ें, फोर पढ़ें, फाइव पढ़ें, सिक्स पढ़ें, सेवन पढ़ें, एट पढ़ें और नाइन पढ़ें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और जिन भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो कर लें, और चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने का कोशिश करें, शेयर करने का कोशिश करें, ताकि और भाइयों का इसी प्रकार मैं मदद करता रहा हूँ बिना किसी भेदभाव के, और कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगती है, और आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ा देती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।